प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय भूटान दौरे पर रवाना हो गए हैं। भूटान में पीएम मोदी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री अपने भूटान दौरे पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरे में भारत और भूटान के बीच आपसी संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। माना जा रहा है दोनों देशों के बीच कुछ अहम दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार देश की सत्ता पर काबिज होने के बाद पहली बार भूटान दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री की इस 2 दिवसीय यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 10 MOU पर दस्तखत होंगे। भूटान में भारत की राजदूत रुचिरा कुमार के अनुसार 10 समझौतों पर दस्तखत के अलावा प्रधानमंत्री 5 परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे, साथ ही रुपे कार्ड भी लॉन्च करेंगे। रुचिरा कुमार ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस भूटान यात्रा को दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में निरंतर किए जा रहे प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। गौरतलब है कि पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर एल शेरिंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था। भूटानी प्रधानमंत्री ने अपने भारतीय समकक्ष की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स की तारीफ की थी। डॉक्टर शेरिंग ने पीएम मोदी को सरल और सहज व्यक्ति बताते हुए कहा था कि वो देश को आगे ले जाने वाले कड़े फैसले लेने में भी नहीं हिचकते।